बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके थ्रू, एयर, वाटर और फूड, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ना, ये चीज़ें हमने जानी। आगे देखते हैं बेटा, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। और कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं बेटा जो क्या, जी हाँ, ये माइक्रोब्स को क्या करते हैं, कैरियर्स होते हैं, इनके थ्रू वो फैलते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच अ कैरियर। हाउस फ्लाई, घर में देखिए मक्खियाँ होती हैं, है ना, वो सबसे आसान कैरियर होता है इस तरह से फैलाने के लिए। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट। जो फ्लाई वो क्या करती है, यस, कचड़े पे और जो जैसे एनिमल्स के एक्सक्रीट है उस पर वो बैठती हैं, उसके पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, और जो पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं वो क्या करते हैं, उनमें स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मेक ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जब वो फिर अनकवर्ड, यानी हमें बोला जाता है ना खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, अगर खुला खाना रखा है तो क्या होगा, वो ये तो वो उस पर बैठते हैं, उनके पैरों में वो चिपकी रहती है, वो खाने में चली जाती है, इस प्रकार से हम बीमार हो सकते हैं, है कि नहीं। यस, Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो वो खाना खाएगा बेटा, yes, वो क्या हो जा, sick हो जाएगा, है कि नहीं। So it is advisable always keep food का, इसलिए कहा जाता है ना, yes, कि खाने को हमेशा ढक के रखो, okay? Avoid consuming uncovered items of food, yes, और हमेशा जो uncovered food items है बेटा उनसे आप दूरी बना के रखो। Another example of carrier is female Anopheles mosquito। और एक दूसरा भी carrier है इनको, है ना, जो इनको लेके चलता है इन बीमारियों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है ये, वो कौन कौन है, यस, फीमेल Anopheles mosquito, ओके, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या करते हैं, यस, जो मलेरिया के पैरासाइट्स है प्लास्मोडिया, उनको ये कैरी करते हैं, ओके। फीमेल ईट्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो फीमेल ईट्स मॉस्किटो हैं वो क्या, किसके कैरियर क्या करते हैं, यस, वो डेंगू वायरस को कैरी करते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम किस प्रकार से मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को रोक सकते हैं, ये देखिए, फीमेल Anopheles mosquito, ये देख रहे हो, यस, ये क्या किसको कैरी करता है, यस, मलेरिया आपके पैरासाइट्स को कैरी करता है, ओके, यस। आगे देखते हैं बेटा, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग इज नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबर। आप देखिए, टीचर आपकी बोलती होंगी ना कि अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, जी हाँ, मच्छर उसमें जन्म लेते हैं, है ना, उसमें अंडे देते हैं, तो इस प्रकार से वो तरह तरह की बीमारियां फैला सकते हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा मत होने दो, खासकर जब बारिश आती है कि नहीं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, क्योंकि जितने भी मॉस्किटोज हैं वो पानी में ही ब्रीड करते हैं, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। इसीलिए किसी भी इंसान, है ना, किसी को भी कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, यस, और हम अपने आसपास सफाई रख के, है ना, मॉस्किटोज के जन्म को रोक सकते हैं, है ना, और बीमारियों से भी बच सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यस, आप कुछ मेजर्स, है ना, उसकी लिस्ट बनाइए किस प्रकार से उस, जैसे वो चीज़ें हम फॉलो करके जो मलेरिया का फैलाव है उसको हम रोक सकते हैं, ओके। मच्छर से ही मलेरिया होते हैं, तो किस प्रकार से आप पानी इकट्ठा नहीं होने दोगे, है ना, अपने जो छत है, छत पे भी आप जाके देखिए कि कोई ऐसा पॉट या कोई बर्तन ना हो जहाँ पे पानी हो, है ना, अपने आसपास छिड़काव कराइए, है ना, और पानी अगर आपसे नहीं निकलता है बेटा तो हफ्ते में बोला जाता है ना कि उसमें थोड़ा केरोसिन या पेट्रोल, है ना, कुछ भी डीजल कोई भी है वो आप उसमें डाल सकते हो जिससे कि मच्छर उनमें जन्म ना ले, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ बेटा जो आपको करना है। यस बेटा, दीज आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज,
How do we prevent the spread of communicable diseases? Which mosquito carries the parasite of malaria? Okay, आप ये questions करके मुझको send करोगे. Okay, yes. ठीक है बेटा, बाकी हम लोग next video में आगे पढ़ेंगे.